ओम शांति, बोलिए ओम शांति। उस पर एक कहानी भी याद आ रही ताकि कहानी बीच में सुनाते जाए, आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता जाए। एक धोबी था, वो धोने के लिए कपड़े गधे पर रखे और चल दिया बाहर। बाहर जा रहा था धोबी, उसको एक चमकता पत्थर दिखा दिया। रास्ते में गधे को लिए, पत्थर को लिए लिए जा रहा था मस्त। रास्ते में जा रहा था, उसको एक व्यक्ति दिखा, उसको उसकी परख थी। वो समझ गई ये पत्थर पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है। उसने से पूछा, इसका क्या कीमत लगा रहे हो, क्या दोगे? तो धोबी तो धोबी मूर्ख, उसका तो परख है नहीं। उसने कहा कि इसका 100, इसका 200 रुपया देंगे। तो उसने कहा कि 200 रुपया, 100 नहीं दोगे? 100 का दे दो ये पत्थर। का 100 का नहीं दूंगा, 200 का लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं दूंगा। उसने नहीं लिया, चला गया आगे। आगे जब जा रहा है तो दूसरा उसको जौहरी मिल गया। उसने कहा ये तो हीरा है, इसकी तो बहुत वैल्यू है, प्योर हीरा है। उसने उससे कहा कि इसकी कीमत क्या है? उसने कहा 200 रुपए। उसने फट से 200 रुपए दिए और फट से हीरा वो पत्थर ले लिया। अब जब गधा अपने घर पहुंचा तो रास्ते में वो व्यक्ति जो पहले वाला सोच रहा है, बहुत कीमती हीरा था, मुझे ले लेना चाहिए था, मैंने गलती की, अब मैं जल्दी से जाता हूँ, उससे हीरा ले आता हूँ खरीद करके 200 में ही। जब गया तो गधा उसके घर के बाहर था, तो उसके गले में पत्थर वो पड़ा ही नहीं था। अब वो घबराया, उसने उस गधे के मालिक को बुलाया, धोबी को, कि भाई वो पत्थर कहाँ है तुम्हारा, मैं लेने आया हूँ। तो उसने कहा कि वो तो पत्थर मैंने बेच दिया। क्या, तुमने पत्थर बेच दिया? वो पत्थर नहीं था। क्या था? उसने पूछा। हीरा था और उसकी बहुत वैल्यू थी। तो उस मूर्ख धोबी ने क्या कहा, मुझे तो इसका समझ ही नहीं थी, मैं तो इसको पत्थर ही समझ रहा था, मैं तो इसकी कीमत इतनी ही समझ रहा था, पर तुम तो इसकी कीमत समझ रहे थे ना, तुम तो समझ रहे थे ये प्योर हीरा है, तो तुमने 200 रुपए देके क्यों नहीं लिया? हम तो मूर्ख हैं ही, हमको तो परख नहीं है। तो जो आज ये ज्ञान सुन रहे हो, तो हम कौन से जौहरी हैं, कौन से जौहरी हैं? जवाब देंगे इस ज्ञान को हीरा समझो, इसकी वैल्यू समझो, क्योंकि ये ज्ञान इतना हीरे समान है कि हमारी जीवन, हमारी लाइफ को क्या बना देगा, हीरा बना देगा। हमारी चमक को क्या करेगा, बढ़ा देगा। धीरे धीरे हमारे जितने अवगुण हैं, पतित पना है, विकार हैं, बुराइयां हैं, ये सब धूल क्या होती जाएगी, हटती चली जाएगी, और हम सच्चा बेदाग हीरा क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, गुणवान चरित्रवान बन जाएंगे।